नमस्कार, मैं वंदना जोशी आज आपको बताऊंगी कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्री कृष्ण भगवान का पंचामृत स्नान कैसे कराया जाता है। पंचामृत स्नान में जो सामग्री हमको चाहिए वो ये है, ये कच्चा दूध है, ये शक्कर है, ये दही है और ये घी है, और ये हमने केसर का, ये शहद है और ये केसर का पानी हमने जल बना के रखा है, और ये सादा जल है, और ये कंकु से हम भगवान को पहले तिलक करेंगे। अब हमने ये लड्डू गोपाल जो हैं इनको थाली में हमने पधरा लिया है, मतलब थाली में बिठा लिया है, और सर्वप्रथम हम इनका इनका तिलक करेंगे। ये हमने कंकु से तिलक कर दिया है। अब इनके ऊपर हम इनके श्री मस्तक पर हमने तुलसी पधरा दी है। अब हम इनको केसर जल से स्नान कराएंगे। कि यमुना जल मा केसर घोली, स्नान कराऊं सांवला, हल्के हाथे अंगे चोली, लाड़ लड़ाऊं सांवला। यदि आपको कोई कृष्ण का मंत्र आता हो तो वो भी बोल सकते हैं। केसर जल से स्नान के बाद हम दूध से इनको स्नान कराएंगे। ये जो पंचामृत है ये पंच चीज मिलके अमृत का कार्य करती है और ये सेहत के लिए भी लाभकारी होती है। अब हम इनको दही से स्नान कराएंगे। श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। 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 अब इसमें हम इनको घी से स्नान कराएंगे। घी और जो शहद होता है वो विषम स्थिति में लिया जाता है। यदि आधा चम्मच घी है तो 1 चम्मच शहद लेना चाहिए, बराबर बराबर नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये बराबर घी और शहद लेते हैं तो ये जहर बन जाता है। अब ये 1 चम्मच हम शहद ठाकुर जी को चढ़ा रहे हैं। भगवान को जन्माष्टमी के दिन ये पंचामृत से जरूर स्नान कराना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, सुख शांति मिलती है और सेहत भी सबकी अच्छी रहती है। अब हम शक्कर से स्नान करा रहे हैं। श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। अब इनको वापस से हम थोड़ा सा दूध से स्नान कराएंगे। हमारे सारे पाप संताप का नाश होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जन्माष्टमी को भगवान को खूब केवल सादे जल से स्नान करा देते हैं और उनको अच्छे वस्त्र पहना के बिठा देते हैं, पर इनको पंचामृत से स्नान कराने से हमारे सारे पाप ताप संताप का नाश होता है। इसलिए पंचामृत स्नान जरूर कराना चाहिए जन्माष्टमी के दिन। अब ये भगवान का हमारा पंचामृत स्नान पूर्ण हो गया है। अब भगवान से प्रार्थना करके इनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अब इनको शुद्ध जल से हम स्नान कराएंगे। ये जो जल है भगवान को अच्छे से ही हमने जल को थोड़ा कुनकुना कर लिया है जिससे भगवान को ठंड नहीं लगे, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है, इसलिए हमने ठाकुर जी को थोड़ा कुनकुना जल लिया है। अब इनको हम अंग वस्त्र कराएंगे। अंग वस्त्र का मतलब है कि टावल जो होता है उससे हम इनके शरीर को पोछेंगे, ऐसे बिल्कुल कोमलता से, जैसे अपने बच्चे की अपन सेवा करते हैं, स्नान कराते बच्चे का, उसी तरह से भगवान की भी सेवा करनी चाहिए। इससे सारा जीवन हमारा अच्छा निकलता है। अब इनको हम वस्त्र धारण कराएंगे।
इनका श्रृंगार हमने धरा दिया है, अब इनको वापस से हम इनको बधाई का तिलक करेंगे कि भगवान आज आपका जन्मदिन है, इसलिए आप हमें अच्छा आशीर्वाद दीजिए और हमारी सेवा को अंगीकार करिए। ये हमने तिलक कर दिया है, इसके बाद हम इनको भोग लगा के इनकी आरती करेंगे। भगवान को मिश्री का भोग धरा दिया है और पंचामृत का स्नान हो गया है भगवान का। तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप ये जरूर करें, जिससे सारा साल अच्छा निकलता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर भी करें।